लगभग 10,000 साल पहले मनुष्यों ने खेती करना आरंभ किया। ये कृषि क्रांति हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिससे लोगों को बसने, निर्माण करने और नई चीजें बनाने की क्षमता मिली। संक्षेप में, कृषि ने सभ्यता के अस्तित्व को सक्षम बनाया। आज हमारे ग्रह का लगभग 40% हिस्सा खेत है। पूरी दुनिया में फैले हुए ये खेत के टुकड़े वो वैश्विक पहेली हैं, जिसका सामना हम सभी कर रहे हैं कि हम भविष्य में अपनी बढ़ती आबादी के सभी सदस्यों का भरण पोषण एक स्वस्थ आहार से कैसे करेंगे। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दूसरी कृषि क्रांति से कम कुछ भी नहीं काम करेगा। पहली कृषि क्रांति की पहचान विस्तार और शोषण थी, जिसमें लोगों को वनों, वन्य जीवों और पानी का बलिदान देकर खिलाया गया, जिससे जलवायु अस्थिर हो गई। अगली बार के लिए हमारे पास ये विकल्प नहीं है। कृषि एक ऐसी स्थिर जलवायु पर निर्भर करती है जिसमें मौसम और उसका मिजाज अनुमानित हो। इसका मतलब है कि हम खेतों का विस्तार जारी नहीं रख सकते, क्योंकि ऐसा करने से पर्यावरण की वो स्थितियां कमजोर होंगी जो कृषि को सक्षम बनाती हैं। इसके बजाय अगली कृषि क्रांति को हमारे मौजूदा खेतों से ही दीर्घकाल के लिए उत्पादन और बढ़ाने की जरूरत होगी, वो भी जैव विविधता की रक्षा और पानी की बचत करते हुए और प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करते हुए। तो भविष्य के खेत कैसे दिखेंगे? ये ड्रोन उस दस्ते का हिस्सा है जो नीचे की फसलों की निगरानी करता है। ये खेत अनियोजित लग सकता है, लेकिन इसकी भूमि के उपयोग की रचना अत्यधिक ध्यानपूर्वक की गई है, जो फसलों और पशुओं को जंगली आवास के साथ परस्पर जोड़ती है। पारंपरिक खेती में भूमि के विशाल हिस्सों को साफ कर उनमें एक ही फसल को बोया जाता था, जिस प्रक्रिया में वन्य जीवों का उन्मूलन और बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता था। इस तरीके का उद्देश्य इस क्षति को ठीक करना है। इसी बीच फसलों में से घूमते हुए खेत रोबोट के एक दल का लक्ष्य लक्षित खुराक में खाद डालना है। मिट्टी के अंदर सैकड़ों सेंसर पोषक तत्वों और जल स्तर के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं। ये जानकारी पानी के अनावश्यक उपयोग को कम करती है और किसानों को बताती है कि पूरे खेत में छिड़क कर प्रदूषण करने के बजाय कहां अधिक और कहां कम खाद का उपयोग करना है। लेकिन भविष्य के खेतों में केवल सेंसर और रोबोट नहीं होंगे। ये तकनीकें हमें भोजन को ऐसे तरीकों से बनाने में मदद करने के लिए बनाई गई हैं जो स्थानीय इकोसिस्टम की बारीकियों का ध्यान रखते हुए पर्यावरण के अनुकूल काम करे, न कि उसके विपरीत। कम लागत वाली कृषि पद्धतियां उन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं और कहीं ज्यादा किसानों के लिए कहीं ज्यादा सुलभ है। वास्तव में ऐसी पद्धतियों में से कई पहले से ही उपयोग में है और जैसे जैसे अधिक किसान उन्हें अपनाएंगे, उनका प्रभाव बढ़ता जाएगा। कोस्टारिका में किसानों ने खेतों को जंगली आवास के साथ इतनी सफलता से आपस में जोड़कर उन्होंने राष्ट्रीय वन आवरण को दोगुना करने में बड़ा योगदान दिया है। ये वन्य जीवों के लिए भोजन और आवास प्रदान करता है और साथ ही जिन पक्षियों और कीड़ों को ये खेत बुलाते हैं, वे खाद्य उत्पादन और धरती के रेस्टोरेशन के साथ प्राकृतिक परागण और कीट नियंत्रण करते हैं। अमेरिका में पशुपालक स्थानीय प्रजातियों से भरे हुए घास के मैदानों में मवेशी पाल रहे हैं, जिससे वे कार्बन संग्रहित और जैव विविधता की रक्षा करने वाली विनिर्माण विधियों को उपयोग कर प्रोटीन के कीमती स्रोत पैदा करते हैं। बांग्लादेश, कंबोडिया और नेपाल में चावल उत्पादन के नए तरीके भविष्य में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को नाटकीय रूप से घटा सकते हैं। चावल 3 अरब लोगों का मुख्य भोजन है और लाखों घरों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत है। 90% से अधिक चावल की खेती पानी भरे खेत में की जाती है, जिसमें बहुत सारे पानी का प्रयोग होता है, और 11% वार्षिक मीथेन उत्सर्जन भी होता है, जो समग्र वैश्विक वार्षिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 1-2% है। चावल के नए उपभेदों के साथ प्रयोग कर, सिंचाई कम कर और बीज बोने को एक कम श्रम गहन विधि अपनाकर इन देशों में किसानों ने पहले से ही अपनी आय और उपज बढ़ा ली है, वो भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करते हुए। जैम्बिया में कई संगठन ऐसे स्थानीय स्तर के विशिष्ट तरीकों में निवेश कर रहे हैं जिनसे फसल में सुधार होता है, वन हानि कम होती है और स्थानीय किसानों की आजीविका में सुधार होता है। इन प्रयासों से अगले कुछ दशकों में लगभग 1/4 तक फसल की पैदावार बढ़ने का अनुमान है।
अगर इन प्रयासों को इस क्षेत्र में वनोन्मूलन का मुकाबला करने के तरीकों के साथ मिला दिया जाए तो वो देश को एक लचीले जलवायु केंद्रित कृषि क्षेत्र की ओर ले जा सकते हैं। और भारत में जहां बुरी बुनियादी संरचना के कारण कटाई के बाद 40% तक का उत्पादन बेकार या खराब हो जाता है, वहां किसानों ने सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज का पहले से ही कार्यान्वयन शुरू कर दिया है, जो हजारों ग्रामीण किसानों को अपनी उपज को संरक्षित और आपूर्ति श्रृंखला का एक व्यवहार्य हिस्सा बनने में मदद करते हैं। उच्चतम तकनीक से लेकर सबसे कम लागत तक के इन सभी तरीकों की जरूरत होगी कृषि में क्रांति लाने के लिए। उच्च तकनीक हस्तक्षेप जलवायु और कृषि के लिए संरक्षण उन्मुख तरीकों को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं और बड़े उत्पादकों को इन्हें कार्यान्वित करने के लिए निवेश करना होगा। इस बीच छोटे किसानों के लिए कम लागत वाली विधियों की पहुंच का विस्तार करना होगा। भावी कृषि की इस दूरदर्शिता को अधिक फल सब्जी आधारित आहार और खाद्य हानि और अपशिष्ट में महत्वपूर्ण कमी लाने के एक वैश्विक बदलाव की भी आवश्यकता होगी, जो कि धरती पर दबाव कम करेंगे और किसानों को उनके पास उपलब्ध साधनों से अधिक कार्य करने में सक्षम बनाएंगे। अगर हम भूमि और समुद्र दोनों पर खाद्य उत्पादन का अनुकूलन करते हैं तो हम पृथ्वी के पर्यावरण की सीमा के भीतर मानवता का पोषण कर सकते हैं, लेकिन यहाँ त्रुटि होने की बहुत ही कम गुंजाइश है और इसके लिए अभूतपूर्व वैश्विक सहयोग और हमारे खेतों के समायोजन की आवश्यकता होगी। हमारे ग्रह के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और आप जैसे लोगों द्वारा उठाए जा रहे रोमांचक कदमों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? अपनी जिज्ञासा को शांत करने और अपनी उम्मीद को पूरा करने के लिए ed.ted.com/earthschool पर जाएं।